हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, दिस इज राहुल। सुबह के बज चुके हैं 7:30 और आ गया हूँ मैं नया ब्लॉग लेके। एज यूजुअल वॉक करते करते आज मैं पहुँच गया हूँ डायमंड पार्क, जो कि काफी खूबसूरत हो चुका है। चलिए मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस पार्क की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये सोलर एनर्जी पर बेस्ड है, जो मुझे काफी पसंद आया है। गाइस, पार्क के करा चुका हूं मैं आपको दर्शन। चलिए, अब टाइम हो चुका है वार्म अप करने का। यहाँ हो चुका है हमारा योग कंप्लीट और टाइम हो चुका है घर जाने का। गाइस, आप भी ऐसे ही खुले वातावरण में आके योग करें और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। सुबह के बज चुके हैं 10:30 और साईं उठ गया है। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है संडे, तो होने वाली है यहाँ पे मेरी समोसे की पार्टी। पार्टी हो चुकी है खत्म और मौसम हो गया है काफी सुहावना। तो गाइस, यहाँ बज चुके हैं 12:15 और साई अपने वीडियोस एंजॉय कर रहा है और ट्रेन के साथ खेल रहा है। आज काफी खुश है एक, और साईं खेल रहा है अपने जेसीबी के साथ। साईं, क्या कर रहे हो? कीचड़ निकाल रहे हो? निकालो। यहाँ पे आ गया है साईं का डंप ट्रक। कीचड़ भर रहे हो? ये बच्चे भी कितना एंजॉय करते हैं, इनकी नटखट हरकतें काफी पसंद आती हैं। कीचड़ ले जा रहा है। तो गाइस, यहाँ पे साईं डंप ट्रक में कीचड़ ले जा रहा है फेंकने के लिए। यहाँ आ चुका है हमारा खाना और खाने में है आलू की सब्जी, रोटी, थोड़ी सी खिचड़ी और प्याज। चलिए खा के करते हैं आपसे बात। अब हम चल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए रिलायंस ट्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं। गाइस, बज चुके हैं 5:00 और हमारी मोहब्बती चाय बनके होने वाली है तैयार। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे हमारी चाय बनके हो चुकी है तैयार, जिसे मैं पीऊंगा इस अपने मोहब्बत वाले कप में, जिसमें चाय का टेस्ट दोगुना हो जाता है। आप भी इसी तरह अपने घर में मोहब्बती कप बनवाइए और चाय की चुस्कियों का आनंद लीजिए। तो गाइस, अभी हम आए हुए हैं स्टेशन, क्योंकि साईं रूट गया था कि मुझे स्टेशन जाना है, मुझे ट्रेन देखना है। तो गाइस, यहाँ पे साईं बता रहा है दादी ट्रेन आ गई है। तो गाइस, यहाँ फाइनली आ चुकी है साईं की ट्रेन। तो गाइस, यहाँ पे ट्रेन जाने लगी है। गुड इवनिंग ऑल, बज चुके हैं 8 और टाइम हो चुका है डिनर का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हूँ एक नंबर का चटोरा, तो आज मैं बनाऊंगा आपके लिए कढ़ाई पनीर और बताऊंगा कढ़ाई पनीर की रेसिपी। काफी सारे व्यूअर्स ने मुझे लास्ट टाइम ये कहा था कि आपने मटर पनीर तो बनाया पर आपने रेसिपी नहीं बताई, तो आज मैं आपको रेसिपी भी शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए बनाते हैं कढ़ाई पनीर। तो गाइस, किचन देख के आप समझ ही गए होंगे कि प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ अपने इंग्रेडिएंट्स से।
तो गाइज यहाँ पे मैंने लिए हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स, आप देख सकते हैं। इंस्टेंट कढ़ाई पनीर बनाना चाहते हैं तो आपको लेनी पड़ेगी दो कढ़ाई और एक तवा। तो गाइज सबसे पहले करते हैं हम गैस ऑन और करते हैं शुभारंभ अपने कढ़ाई पनीर का। अब हम पहली कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा ऑयल। इस ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे टमाटर और अनियन। तो गाइस हम टमाटर और अनियन को करेंगे हाफ फ्राई। और गाइस दूसरी तरफ रख देते हैं हम पनीर के टुकड़े जिन्हें हमें करना है फ्राई। दूसरी कढ़ाई में लेंगे अब हम थोड़ा सा ऑयल और उसमें डालेंगे अनियन और कैप्सिकम, इनको भी हम हाफ फ्राई करेंगे। तो गाइस यहाँ पे टोमेटो और अनियन हो चुके हैं हाफ फ्राई, अब हम इनको पीसेंगे जार में। टोमेटो और अनियन का बनाएंगे प्यूरे। पनीर बनाना करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले लेंगे थोड़ा सा ऑयल, उसमें डालेंगे थोड़ी सी जीरे, थोड़ी सी हल्दी, हींग। तो गाइस अब टाइम हो चुका है लहसुन मिर्ची और अदरक को मिलाने का। गाइस यहाँ लहसुन और अदरक का पेस्ट हो चुका है ब्राउन, अब हम डालेंगे इसमें प्यूरे। अब हम इसमें मिलाएंगे काला नमक, अमचूर, गरम मसाला और मिर्च पाउडर और सादा नमक स्वादानुसार। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, हम मिक्स कर लेंगे। अब हम प्यूरे को पकने देते हैं। तो गाइस हमारी ग्रेवी हो चुकी है तैयार। तो गाइस अब मैं बताने वाला हूँ आपको वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे आता है कढ़ाई पनीर में टेस्ट। तो हम मिलाएंगे ग्रीन चिली सॉस। गाइस चिली सॉस से काफी ज्यादा टेस्ट बढ़ता है कढ़ाई पनीर का, तो आप इसको ऐड कीजिए। गाइस हमारा पनीर यहाँ हो चुका है फ्राई, अब हम करेंगे इसके छोटे छोटे टुकड़े। अब हम ऐड करेंगे पनीर। तो गाइस फाइनली हमारा यहाँ पे कढ़ाई पनीर बनके हो गया है तैयार। गाइस अब फाइनल टच देने का टाइम आ गया है, करते हैं थोड़ी सी गार्निशिंग, डालते हैं कुछ धनिया। तो गाइस फाइनली यहाँ पे हमारा कढ़ाई पनीर बनके हो चुका है तैयार। आप भी ऐसे ही इंस्टेंट कढ़ाई पनीर बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। सो गाइस यहाँ टाइम हो चुका है डिनर का और आज आ चुकी है मेरी संडे स्पेशल थाली जिसमें है कढ़ाई पनीर, चिल्ला, रोटी और थोड़ी सी चटनी। खा के करता हूँ मैं आपसे बात। क्या हो गया साईं? ये क्या लिए हो आप? क्या पता बेटा, आप बताओ क्या है? मोती है ये। अच्छा तो गाइस यहाँ पे रात के बज चुके हैं 11:30 और साईं खेल रहा है अपने मोतियों के साथ। आज साईं को हम लोगों को एक डंप ट्रक फिर खरीदना पड़ा, काफी गुस्सा हो गया था साईं। क्या हो गया बेटा? तो गाइस यहाँ पे साईं अपनी पुरानी ट्रेन के साथ फिर से खेलने लगा है, नई ट्रेन से इसका मन भर गया है। साईं आपकी नई ट्रेन कहाँ है? नहीं पता कहाँ है, ढूंढो आप। नहीं पता, ओ मिल गई। मिल गई, पर इसको तो आपने तोड़ दिया है ना बेटा? तो गाइस आज साईं ने अपनी ट्रेन को तोड़ दिया है। आपने तो तोड़ दिया उसको, क्यों तोड़ दिया? सो फाइनली गाइस यहाँ बज चुके हैं 12:30 और टाइम हो चुका है आपको बाय बाय अलविदा कहने का। यहाँ करता हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले ब्लॉग के साथ मैं बहुत ही जल्द आऊंगा। बाय।